आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। चूंकि एक बैड न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रहा है और कंटिन्यूस लोगों के मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू मुझे रिसीव हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना इसका अपडेट्स दिया जाए। ओवरऑल एक रिसेंट न्यूज, आज का ही न्यूज देखेंगे कि अविनाश भोसले को कस्टडी में लिया गया है 300 करोड़ के फ्रॉड के मामले में, जो कि DHFL वाला रिलेटेड ही है। काफी सारे स्कैम हमने इस स्टॉक में देखे। राणा कपूर जो कि इसके फाउंडर ही थे एक तरीके से समझिए, उसके बाद से कंटिन्यूस स्कैम देखने को मिला है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि इसका रिएक्ट रिटेल इन्वेस्टरों के द्वारा या फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा रिएक्शन दिखेगी, क्योंकि ये जो भी स्कैम है ये सब पास्ट है। इसके कारण ही ये स्टॉक 400 से इस समय 12 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इस समय कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी इम्प्रूवमेंट करते हुए दिख रही है और सबसे बड़ा इवेंट ARC के थ्रू जो बैड लोन्स है वो ट्रांसफर करने की बात भी चल रही है और बहुत जल्द लगभग इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर तक ये इवेंट होते हुए दिखेगा। FI कालिल ग्रुप की दिलचस्पी इस स्टॉक में श्योरली दिख रहा है कि इस स्टॉक में एक स्ट्रांग अपट्रेंड दिख सकता है। ये जो भी न्यूज है ये पास्ट रिलेटेड न्यूज है, जब भी स्टॉक में मूवमेंट आता है तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अपट्रेंड आता है। ओवरऑल इस स्टॉक में डिलीवरी देखेंगे तो अराउंड 30-50% तक की कंटिन्यूस डिलीवरी दिख रही है और पिछले दो साल से ये स्टॉक प्राइस एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट हो रहा है, नेरो रेंज प्राइस पे, वो 12.50 रुपया से लेकर के अराउंड देखेंगे तो 15 रुपये के बीच का है। इसी पिछले दो साल में स्टॉक ने 20.80 रुपये के हाई भी बनाए जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। टेक्निकली ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज देखे या फिर 20 डे मूविंग एवरेज जिसके ऊपर की क्लोजिंग है। व्यू प्रोस्पेक्टिव जो मेरा पर्सनल व्यू है वो बुलिश है और एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड 15.50 रुपये के क्लोजिंग पे वन साइडेड अपट्रेंड दिखेगी। अगेन मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख सकता है 12 रुपये से लेकर के 15.50 रुपये का, लेकिन 15.50 रुपये के ब्रेकआउट करने पे पहला टारगेट 22 रुपया और दूसरा टारगेट 48.50 का विद इन 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर और जो 22 तक के टारगेट हैं विद इन मैक्सिमम 1.5 महीने से 2 महीने के ड्यूरेशन में दिख सकता है। तो यहां से पार्शियली एग्जिट करने की गलती नहीं करें। ये सारे न्यूज पास्ट के रिसेंट पास्ट में जो भी हुए उसके कारण दिख रहा है। फ्यूचर इस बैंक का जो है वो स्योरली